किसान खेत पर गेहूं उगाता है और गेहूं से रोटी बनती है और लिट्टी भी बनती है, और लिट्टी का कभी इस तरह से भी इस्तेमाल होगा ये कभी मैंने तो नहीं सोचा था, हो सकता है आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन चूंकि हमें ये मिल गए हैं यहाँ पर एक महाशय हैं जिन्होंने लिट्टी का हार बनाया है और गले में टांगा है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। मैं संजय यादव गोरखपुर से हूँ। अच्छा जी, तो ये बताइए जरा लिट्टी का हार क्यों पहना आपने? लिट्टी का हार इसलिए पहना है कि आप जानते हैं अच्छी तरह की गेहूं के आटे से लिट्टी बनाई जाती है, और देश के गरीब लोग जो बड़े बड़े होटलों में खाना नहीं खा पाते वो स्टेशनों पे जाते हैं, जब कहीं जाते हैं यात्रा करते हैं तो स्टेशन पे लिट्टी और भौरी और चोखा, लिट्टी चोखा खा के अपना काम चला लेते हैं, शुद्ध भोजन मिल जाता है। तो मैं इसलिए बनाया हूँ कि देश में किसानों के ऊपर मोदी सरकार कहर बरपा रही है, देश का काला कानून जो 3 कानून है वापस नहीं कर रही है, इसलिए मैं बनाया हूँ कि गेहूं की कीमत को समझे लोग। यदि यह काला कानून वापस नहीं हुआ और भंडारण हुआ तो जिस तरह 15 रुपया किलो का आलू 300 रुपया किलो चिप्स मिलता है, उसी तरह 19 रुपया किलो का गेहूं 190 रुपया किलो पैकेट में मिलेगा इन्हीं पूंजीपतियों के जब भंडारण हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि देश के नौजवान किसान और शहर में जो लोग बैठे हुए हैं सारे लोग आंदोलन को तेज करें और इस देश के किसानों का किसान बिल वापस कराएं। अडानी और अंबानी के घर में हमारा जो ये व्यवस्था हो रहा है कि उनके घर में हमारा गेहूं चला जाएगा और गेहूं अपने मन से बेचेंगे, और हमारे यहाँ जब गेहूं पैदा होता है तो कम दाम पे लेके वो भंडारण करना चाहते हैं, इसलिए इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस कराइए। यदि वापस नहीं होगा तो देश का गरीब खाने बिना मर जाएगा। मैं यही कहने आया हूँ, इसी संदेश के साथ आया हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि कानून काला है। जी जी, काला क्यों है सर? काला इसलिए है कि काला बाजारी है। आपको अच्छी तरह पता है कि आपदा के समय और युद्ध के समय भंडारण चेक होगा, नहीं तो भंडारण करने का इनका राइट होगा। ये काला कानून इसलिए है कि इस कानून से काला बाजारी होगी और देश का किसान मजदूर परेशान होगा, इसी बात का काला है, काला बाजारी से उसका आशय है। लेकिन सरकार का तर्क है कि ये कानून अगर लागू होते हैं तो जो मतलब जो व्यापारी हैं उनकी किसानों तक, व्यापारी किसानों को ढूंढेंगे, अभी व्यापारी अपना अनाज बेचने के लिए, सॉरी किसान अपना अनाज बेचने के लिए व्यापारियों को ढूंढता है, फिर व्यापारी किसानों को ढूंढेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी किसानों को नहीं ढूंढेंगे। आप बता दीजिए, ये कोई भी किसान जो आज तक किसानी खेती करता है उसका व्यापारियों जैसा घर और माल है क्या? व्यापारी कभी नहीं ढूंढेगा। और ये MSP लागू कर दे, ये MSP लागू कर दे। MSP के लिए मना कहाँ कर रही है? कहाँ लागू कहाँ कर रही है सरकार? सरकार लागू कहाँ कर रही है? सरकार तो इन पूंजीपतियों को जिस तरह 15 रुपया किलो का गेहूं, अरे 15 रुपया किलो का आलू 300 रुपया चिप्स के रूप में बेच रही है, उसी तरह गेहूं जब वो भंडारण कर लेंगे तो 190 रुपया किलो इसी गरीब को देगी, गरीब खाने बिना मर जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांग है, यहाँ जो किसानों की मांग है उस पे कुछ अमल होगा? कुछ अमल होता संभावना दिखाई दे? देखिए, किसानों की मांग पे अमल होगा और जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब खत्म अमल होगा, जब तक हटेगा नहीं, वापस नहीं होगा, तब तक यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा, इनकी सरकार बदल के जाएगा। चाहे कितना समय लग जाए, चाहे जितना समय क्या लग जाए, जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती, 5 साल इंतजार नहीं करती। अब कितना समय बचा है? 24 में बदल देंगे इनको हम, प्रधानमंत्री से हट जाएंगे और 24 तक रहेंगे तो नहीं बदलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो आप क्या नाम बताए थे? संजय यादव। संजय यादव जी जो कि लिट्टी का हार पहन के आंदोलन कर रहे हैं, इनका कहना है, और ये मैंने कहीं पढ़ा सुना भी है कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती। हालांकि वो इस तरह से नहीं था, वो ये था कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती, यही था, यही डायलॉग है। जी जी, मतलब ये कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं, जिंदा को मैं 5 साल इंतज़ार नहीं करती। तो अड़े हैं, कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम डटे रहेंगे, चाहे सरकार ही क्यों ना बदल देनी पड़ जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। खैर, सबकी अपनी प्रतिक्रिया है और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अच्छा एक चीज और बता दीजिए कि आप लिट्टी तो टांग के आंदोलन कर रहे हैं, लिट्टी अकेले पूरी नहीं है, लिट्टी के साथ चोखा होना चाहिए तभी पूरी है, तो चोखा कहाँ है? चोखा इस समय यहाँ नहीं है क्योंकि चोखा मैं बनाया था लेकिन चोखा लेके घूमना संभव नहीं है, इसलिए मैं घूम नहीं सका उसको, चूंकि वो प्लास्टिक में रखना पड़ेगा, लेकिन लिट्टी का चोखा से संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा मान लो आंदोलन करते करते भूख लगाई तो खा भी सकते हैं इसको? जी एकदम खा सकते हैं, खाने वाली चीज यही है, लेकिन ये सिर्फ आंदोलन के लिए, आज दिन भर आंदोलन के लिए स्पेशली है, बाद में से खा लिया जाएगा, बाद में खा सकते हैं, खाई लगी क्या करेंगे इसको। अगर कामयाब हो जाए तो जरूर जी जी चोखा खिलाएंगे यहाँ पे। हाँ एकदम। हाँ कहिए क्या कहें, आंदोलन कामयाब हो जाए तो जरूर। हाँ यदि आंदोलन काम हो जाएगा तो हम यहाँ कामयाब हो जाएगा तो हम लिट्टी चोखा बनवा खिलाएंगे लोग। अच्छा भंडारा चलाएंगे? चला देंगे। ये बढ़िया है कि इनके भंडारे में लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। चलिए बढ़िया है।